नमस्कार DTW24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और आज दिन है 28 अक्टूबर का, यानी कि 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर आज पहले चरण का मतदान होना है। और कुल मिलाकर बात की जाए तो 71 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और 71 सीटों पर कुल मिलाकर 300 से अधिक प्रत्याशी जो हैं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में आज जनता की अदालत में उन तमाम प्रत्याशी का फैसला हो रहा है और जनता अपने अपने हिसाब से मत दे रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जनता किस आधार पर वोट करेगी यह देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात तो साफ है कि अगर जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव हो या फिर 2010 को विधानसभा चुनाव लगातार जो जनता सड़क के मुद्दों पर, बिजली के मुद्दों पर या फिर पानी के मुद्दों पर जिस तरीके से वोट की थी, अगर उस आधार पर वोट की जाती है जनता की ओर से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है NDA को मिल सकता है। आइए पहले आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं, जिस तस्वीर में देखें किस तरीके से जो मतदाता हैं अपनी उम्र सीमा को ध्यान में ना रखते हुए किस तरीके से जागरूक हैं और वोट देने के लिए जा रहे हैं। इस उम्र में इस कष्ट को झेलना किस लिए दी है वोट? बढ़िया प्रत्याशी के लिए। हाँ, प्रत्याशी का ही याद न रहे। कैसे आई, पकड़ के कौन लाया? पतो लाया है। अंदर से कौन लाया पकड़? सिपाही जी, पुलिस लोग लाया। हाँ, पुलिस लोग। कहाँ वोट दिए? हाथ दिए आप? इतना हमरा किया है। आप अपने से वोट दिए कि कोई दूसरा? ना, हम अपने से दिए। पहले का नाम भाई? नाम बता दे। चिंता देवी। ठीक है ना? हाँ। अब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? वोट देने। वोट देने। उम्र कितना होगा? 60 जी। 60-62 हो चुके हैं। नाम क्या है? राम तीरथ सिंह। घर? तो जनता जो है पूरी तरह से जागरूक है विधानसभा चुनाव को लेकर और आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। और कुल मिलाकर जैसा कि हमने आपको बता दिया 71 सीटों पर विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग की जा रही है, जिसमें 300 से अधिक प्रत्याशी हैं, जिसमें से बता दें कि कुल मिलाकर 8 ऐसे मंत्री भी हैं जो अपनी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और उनकी इज्जत कहीं ना कहीं दांव पर जरूर है। लेकिन जनता किसे वोट देगी तो देखने वाली बात है। लेकिन आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अभी अभी हमने आपको बताया था कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 2010 हो या फिर 2015 के विधानसभा चुनाव, जनता जिस तरीके से बिजली के मुद्दों को लेकर, सड़क के मुद्दों को लेकर या फिर और भी तमाम मुद्दों को लेकर वोट की थी, उस आधार पर अगर वोट किया जाए तो कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है वह NDA को जरूर मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ऐसा पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है बिहार में जिसमें ज्वलंत मुद्दों पर जो जनता है वोट करने को तैयार है। बता दें कि जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है या फिर और भी तमाम तरह की समस्याएं, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर सरकारी नौकरी का मुद्दा हो या फिर बिहार में किसी भी तरह की इंडस्ट्री पिछले 15 साल में नहीं लगाई गई है उसको लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो जनता है कहीं ना कहीं इस बार वोट करने के लिए ज़रूर सोच रही है। और ऐसे में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो भाजपा हो या फिर जदयू, इनके जो नेता क्षेत्र में जा रहे हैं तो उन्हें भगाया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, यानी कि जनता कहीं ना कहीं 2015 में जिस सरकार को चुनी थी उससे नाराज है
और ऐसे में जो उनके प्रत्याशी हैं यानी कि जो मंत्री थे मंत्री हैं वो क्षेत्र में गए वोट मांगने के लिए तो उन्हें जनता द्वारा भगा दिया गया या फिर पत्थरबाजी की गई या फिर कहीं ना कहीं चप्पल फेंकने की भी घटना सामने आई। जैसा कि पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गए थे अपने क्षेत्र में तो उनके ऊपर चप्पल फेंका गया, यानी कि समझा जा सकता है कि जनता कहीं ना कहीं नाराज है। एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में है तो वहीं पर महागठबंधन से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, तो वहीं पे पप्पू यादव भी पीडीए गठबंधन से हैं तो उपेंद्र कुशवाहा भी अपने गठबंधन से मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं जनता की, और जनता जिस तरीके से मूड में है कहीं ना कहीं 2015 में चुनी गई सरकार से नाराज है और जिस तरीके से बिहार का विकास हुआ इससे कहीं ना कहीं खुश नहीं है। ऐसे में सोचने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से बिहार की जनता वोट करेगी। आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है कुल मिलाकर 71 सीटों पर और 300 से अधिक प्रत्याशी जो है वह मैदान में उतरे हुए हैं और दो चरण का चुनाव होना है जिसमें कुल मिला के बता दें कि 243 सीटें बिहार विधानसभा में जहां पे 71 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है और बाकी सीटों पर 3 तारीख और 7 तारीख होगा और 10 तारीख यानी कि 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि आखिर जनता किसे चुनी है और किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।